Hello to all, welcome to Raksha Academy. So this is your educator Mrs. Joshika Sharma Chaudhary. Previously we discussed about the brief introduction of our upcoming classes, that how we can proceed in paper 3 in unit 1, especially in unit 1, that is the unit of physics. So this is the lecture 1 of work. The work comes under the first topic of work, energy, power of unit 1, which is physics part, and this Unit 1 covers 30 marks in our paper 3 for MP PSC mains syllabus, according to the syllabus of MP PSC mains. So let us start our day with this topic, that is the topic known as work. And this is the part of paper 3. सबसे पहले यहाँ पर जो हमको चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है for our day, that what do you mean by work and what is work? There is different perspective of work in our daily life and in the physics world. So what are the different perspectives? How we can say this is a work done and this is not a work done? So there is any particular definition about this or there is any particular concept about this. So we understand this concept by seeing an example of our daily life and the example in our physics world related. So let's talk about that. The first, I am classified the work definition in two parts, that is a daily life and physics, to understand you that what is the basic difference between these two. Okay guys, sorted हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इनको दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज जिससे हम समझ पाए कि डेली लाइफ में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या वो वर्क डन कहला रहा है, इन स्पाइट वी आर डूइंग अ वेरी वर्किंग हार्ड, और एक सिंपल सा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो वर्क डन कहला रहा है. सो दिस, ये कंसेप्ट जो है हमको समझना है बाय अंडरस्टैंडिंग the whole concept of work. So in our daily life, if we talk about that, you as a student is preparing for some examination. For example, you are preparing for MP PSC mains. So that means you are doing a very working hard. कैसे कह सकते हैं कि आप भैया वर्क बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो, कैसे कह सकते हैं, ये हम ऐसे कह सकते हैं you spend a lot of time in a day by reading a book. सो दिस इन स्टडिंग आना चाहिए, ये स्ट्राइड्स लिखा हुआ है, सॉरी गाइस यू हैव टू करेक्ट दिस, दैट इन स्टडिंग, ठीक है, बाय रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, बाय रीडिंग बुक्स, मेकिंग नोट्स फ्रॉम दैट, ड्रॉ वेरियस काइंड्स ऑफ डायग्राम्स एंड डूइंग टेस्ट पेपर्स and etc. By discussing with your friends, you have to add this also. So this kind of things you are doing in our day, and you, by doing all these things, you spend a lot of energy into these things because you have to prepare very work hard for your examination. That's why you are doing this ना. ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब ऐसे कर रहे हो क्योंकि बस आपका शौक है, नहीं ना, तो इस चीज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है और उसके लिए आपको अपना पूरा एफर्ट्स जो है उस एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में लगाना है. अब इन नॉर्मल अगर कोई होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो इन नॉर्मल वे ये कह देगा कि आप बहुत वर्किंग हार्ड हो, बिकॉज क्यों आप वर्किंग हार्ड, उसका भी रीज़न होगा आपके पास, दैट वाई यू आर, बिकॉज आप दो पूरा दिन इतनी मेहनत करके उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. बट अगर हम इस चीज़ को देखें कि क्या ये वर्क डन कहलाता है, क्या ये वर्क डन होता है, ये चीज़ को समझना है. तो इज़ दिस वर्क डन, क्या ये वर्क डन है? नो. सो क्यों नहीं है भाई वर्क डन, क्यों नहीं? हम तो पूरा दिन एक सिर्फ एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए मेंटली इतना स्ट्रेस लेके कामों को कर रहे हैं, क्यों नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हो तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं अकर हो रहा है. कब नहीं हो रहा है? आप कोई भी फोर्स अप्लाई करने से वहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. दैट्स वाई क्या हो रहा है कि वो नेट वर्क डन जो है आपका, वो क्या कहला रहा है? ज़ीरो. तो यहाँ पे क्या हो गया, डेली लाइफ में जो नेट वर्क डन है वो आपका मिनिमम कितना हो सकता है? ज़ीरो. ठीक है गाइस, मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है. नाउ कम टू द फिजिक्स वर्ल्ड. अब फिजिक्स वर्ल्ड में एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो. जब देयर इज अ गर्ल हु लव शॉपिंग, तो वो एक शॉपिंग मॉल गई, वहाँ पर उसने ट्रॉली को पुल किया एंड उसने जैसे ही ट्रॉली लिया और ट्रॉली को पुल किया तो ट्रॉली क्या है मूव करने लगी अपनी डिस्टेंस पे, थ्रू अ डिस्टेंस वो ट्रॉली क्या है मूव करने लगी. मतलब हुआ क्या, जो गर्ल थी उसने इसमें फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, इसने फोर्स अप्लाई किया, इसने इसको पुश किया और ये डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया. तो इज दिस वर्क डन? Yes, this is a work done. Why? Because there is a displacement occur by applying any force on the object. ठीक है, तो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है वर्क डन हो रहा है. तो आपको समझ में आया गाइस, अगर आप बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स में उसको नेट वर्क डन जीरो होगा. अब यहाँ पर फिजिक्स वर्ल्ड में जो हमारा यहाँ पे तो नेट वर्क डन जीरो था, यहाँ पर नेट वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ये है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये डायरेक्शन आप याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर होगा ये पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है. ये कंसेप्ट आप समझेंगे थोड़ी देर में, बट उसके पहले आपके पास और एग्जाम्पल होने चाहिए इस फिजिक्स वर्ल्ड में. ठीक है, आप कैसा कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल वॉक कर रहे हो ऑन अ सरफेस, ठीक है, तो वहाँ पर एक पैबल पड़ा हुआ है जो सरफेस पे लाए कर रहा है, तो आपने क्या करा, उस पैबल को पुश किया एंड देन दैट पैबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस बिकॉज यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पैबल एंड द पैबल गॉट डिस्प्लेस्ड. ओके, तो यहाँ पर क्या ये वर्क डन है या नहीं है? तो ये वर्क डन कहलाएगा. क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब आपने उस पेबल पे फोर्स अप्लाई किया तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया. अंडरस्टैंड गाइस? तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने समझाई कि क्या हुआ डेली लाइफ में आप जो काम कर रहे हो वो, और अगर फिजिक्स वर्ल्ड में आप जो काम, अगर आप सिंपल सा छोटा सा भी काम कर रहे हो. अभी यहाँ पर डेली लाइफ का आप एक समझ लो कि कोई वेट लिफ्टर है या फिर कोई जिम गया, ठीक है, उसने ना क्या किया, जो बहुत सारे वेट्स है ना उसको उठा के वो खड़ा हो गया. देयर इज अ मैन और वुमन, उसने क्या किया वेट लटका लिए. अब ये जो वेट इसने पकड़ लिए हैं हाथ में, तो ये मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको पकड़े खड़ा हुआ है, स्टेशनरी खड़ा हुआ है एकदम. तो क्या ये वर्क डन हो रहा है? ये आपको मुझे आंसर देना है. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. नाउ अब हमने ये देख लिया एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्क डन in the perspective of daily life and the physics world, and displacement कितना ज़रूरी है वर्क की डेफिनेशन में, वर्क के पार्ट में. तो चलिए अब समझते हैं वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, जो हमारे 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स या फिर 11 मार्कर्स, जिस तरीके से भी एग्जामिनर पूछना चाहे पूछ सकता है. तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, दैट आपको वो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, लेट्स डिफाइन द वर्ड वर्क. ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, वर्क को डिफाइन करने जा रहे हैं, है ना गाइस? आप क्या करने जा रहे हो, वर्क को डिफाइन करने जा रहे हो. क्यों करने जा रहे हो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो वर्क डन है वो क्या है हमारा, ये हमने चीज़ को समझा कि वर्क डन एक्चुअली में होता क्या है. दोनों कंसेप्ट को हमने समझ लिया. Now come to the definition part. Work is done on an object when a force causes a displacement of the object. This line you have to कहते हैं ना एकदम बाई हार्ट लर्न कर लो, इस चीज़ को भूलना नहीं है. इसी से ही अगर आपको ये लाइन याद रह गई तो आप डायग्राम भी बना लोगे और आप क्या कर लोगे, आप वहाँ पर डेफिनेशन भी लिख लोगे. अब डेफिनेशन और डायग्राम का क्यों बात कही, क्योंकि हमने प्रीवियसली जब हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे साइंस में कुछ की पॉइंट्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे. कौन कौन से की पॉइंट्स थे गाइस? द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन, second point is unit, third point is example and fourth point is diagram. ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास अगर पॉसिबल है तो आपको करना है। डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना है कि आप बना पाओ। तो यहाँ पर वर्क की डेफिनेशन को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि वर्क कब कहलाता है ऑब्जेक्ट पर करा, व्हेन अ फोर्स कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस लाइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन। ठीक है गाइस, सॉर्टेड गाइस। तो यहाँ पर आप समझेंगे डायग्राम। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई किया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डी। तो डी क्या यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट, एंड एफ क्या है, फोर्स, एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज को लिखा है कैसे कि कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स एफ acting on an object having a mass m, the object undergoes the displacement d in the positive x direction as shown in the figure 1. So this is your figure 1. Now the work done by the force is defined to be the product of the component of the force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement. अब यहाँ पर आपने क्या समझा था कि जब हम फोर्स हमने वहाँ पर अप्लाई किया तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज द डेफिनेशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके फॉर्मूले को पढ़ने की बात करेंगे तो उस टाइम हम क्या डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स दैट यू हैव टू डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in the direction of displacement and the magnitude of the displacement. So this is the thing, क्या है फोर्स, यहाँ पे कंपोनेंट जो है फोर्स का वो किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड जो है उसका प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट क्या हो कहलाता है हमारा वर्क डन। सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड एंड दिस इज द डी। अब यहाँ पर ये जो डायरेक्शन में जो फोर्स है ये थीटा है तो ये हमारा एफ कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये हो गया इसका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड है डी। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एफ कॉस थीटा इंटू डी इज व्हाट, वर्क डन। सो वर्क डन क्या हो गया हमारा, क्या हो गया फॉर्मूले के उससे, W equal to FD cos theta. What is work done? W equal to FD cos theta. क्लियर गाइज, यहाँ तक क्या हो गया वर्क डन हमारा एफ डी कॉस थीटा। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ यू हैव टू स्टडी इन फिजिक्स दैट कि अब यहाँ पर अगर आप बेसिक डेफिनेशन को समझना चाहो एक बिल्कुल ही सिंपल वे में, क्या कैसे समझोगे कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। जब हम वर्क डन कब कहला रहा है, जब हम किसी चीज़ को पुश करें, हम किसी भी चीज़ को पुश कर रहे हैं और वाइल द पुशिंग उस ऑब्जेक्ट को मूव हो जाए, वो ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव हो जाए। मतलब पुश मीन्स वर्क डन मीन्स पुश एंड वाइल पुशिंग मेक इट मूव। क्या है, क्या कहला रहा है बेटा ये, यहाँ पर वर्क डन मीन्स पुश एंड वाइल पुशिंग मेक इट मूव। जब हम पुश करें तो उसको मूव करना चाहिए, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। देन यू हैव टू सेड दैट वर्क इज डन। अब यहाँ पर वर्क में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब हम स्केलर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सब चीज़ों को। अब स्केलर क्या है, वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट देयर इज़ नो डायरेक्शन, दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ द क्वेश्चन हैव come like this that why the work said to be a scalar quantity, that you have to answer that work has only magnitude and no direction and scalar quantity इसीलिए कहलाता है। Scalar quantity is the dot product। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर ये हम फर्दर पढ़ेंगे जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, वहाँ पर डिटेल में पढ़ लोगे आप इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉपर डेफिनेशन समझना चाहो तो क्या है स्केलर की, जिसके अंदर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके वर्क इसका एक एग्जाम्पल है, इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ठीक है, पावर, पावर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर ना यहां तक। अब यहां पर दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। नाउ come to the part that you have to learn, that is unit. Unit part, definition part is completed, figure part is completed. आपको डायग्राम पता है कि आपको कौन कौन से डायग्राम बनाने, दिस या दिस, ठीक है। नाउ कम टू द यूनिट सेक्शन। तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर और जूल, क्या होती है, जूल या फिर न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, न्यूटन मीटर और जूल। अब यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फोर्स जो है वो 1 न्यूटन हो जाए, एस की जगह पे आप डी कर लो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 1 मीटर आ जाए, टीटा हमारा 0 हो जाए, तो कॉस टीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों 1, तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल। नाउ यहाँ तक सब पढ़ लेंगे कि यूनिट होती है न्यूटन मीटर, जूल भी कहते हैं जिसको, ये सबको पता होगा। इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक डिफाइन द जूल इन टर्म्स ऑफ वर्क, डिफाइन जूल इन टर्म्स ऑफ वर्क, देन व्हाट यू हैव टू राइट, कि व्हाट इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ जूल, यू हैव टू राइट इन योर आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि अगर फोर्स हमारा 1 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर हो रहा है और टीटा हमारा 0 हो जाता है, तो हमारा जो वर्क डन है 1 न्यूटन मीटर हो गया, जिसको हम 1 जूल भी कहते हैं। नाउ कम टू द पार्ट, हाउ कैन यू डिफाइन अ 1 जूल, डिफाइन 1 जूल इन टर्म्स ऑफ वर्क। अब मैंने यहाँ पे वर्क क्यों लिख दिया इन टर्म्स ऑफ वर्क, बिकॉज एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है, तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ को समझेंगे। तो 1 जूल क्या होता है गाइस, एक्चुअली में 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force, along the line of action of force। ये आपको लाइन को याद रखना है। क्या होता है 1 जूल, 1 जूल हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है वर्क डन का, जो हम ऑब्जेक्ट पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट पर जब हम वहाँ पर फोर्स आपको देते हैं 1 न्यूटन, जिसके कारण 1 मीटर वो डिस्प्लेस करता है along the line action of the force, then you said to be 1 joule. That is the proper definition of 1 joule. Joule क्या है, एक amount है work done का, ठीक है। क्या है joule, amount है work done का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और this is the SI unit of work is joule, which is named after the famous British physicist names James Prescott Joule। क्या नाम था उनका पूरा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनका टाइम पीरियड रहा 1811 से 1869, और दिस इज द इमेज ऑफ जूल। सो ये कौन है गाइस, ये है जूल। जूल जी हैं जिन्होंने ये एसआई, जिनके नाम पर ही वर्क की एसआई यूनिट का नाम दिया गया है। इनका पूरा नाम क्या है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। टाइम पीरियड वाज 1811 टू 1869। Now come to the section where you have to see some numerical part also, because nobody knows कि कहाँ से MP PSC numerical भी पूछ ले 3 मार्क्स में, कि definition पूछे। तो यहाँ पे बिल्कुल basic numerical अभी हम solve कर रहे हैं। जैसे जैसे formula आते जाएंगे, जैसे जैसे हम concept पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे हम numerical part को भी cover करते जाएंगे। तो the first numerical क्या है यहाँ पे guys, that force of 5 Newton is acting on an object. 5 Newton का जो force है एक object पर apply हो रहा है। By applying this force, the object get displaced through 2 meter in the direction of force. Direction, जिस direction में force है उसी direction में वो displaced हो रहा है। So अगर यहाँ पर हो रहा है तो then work done क्या कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे ये object बना लिया, एक जिसका मास है m for example, यहाँ पर force apply हो रहा है Newton इस direction में, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर 2 मीटर का, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया। तो ये हो गया हमारा डी, ठीक है। डायरेक्शन इन दोनों की सेम है, मतलब जब डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एफ डी। ठीक है। अब अलोंग द थ्रू द डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है, अलोंग द लाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एफ डी है वो आपका फॉर्मूला हो गया, तो 5 इंटू 2, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है 5, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है t2, और यहाँ पे जब आपने पुट किया तो 10 न्यूटन मीटर आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। कब क्या आ गया, वर्क डन आ गया। कितना आ गया, 10 न्यूटन मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को जीरो बोलते हैं, वो न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, जिनके जो किसके नाम पे रखा गया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। नाउ कम टू द अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, अनदर सेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड है, सेम है, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 7 न्यूटन का है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 7 न्यूटन का, इसके कारण वो डिस्प्लेस्ड हो गया 8 मीटर। यहाँ पर वर्क डन निकालना है तो 7 इंटू आप 8 कर लोगे, बिकॉज द फॉर्मूला इज दिस। तो कितना आ जाएगा, 56 न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, कितना आ जाएगा, 56 न्यूटन मीटर और जूल। क्लियर, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई आपको कि हमने दोनों पार्ट के न्यूमेरिकल देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, एक आपके सॉल्व करने के लिए था। बट चलिए, डायरेक्शन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम होगी तो जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में वो क्या होगा हमारा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम, थीटा इक्वल टू 0, देन कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, दोनों के अगर डायरेक्शन सेम है देन पॉजिटिव वर्क डन। इसको हम अभी थोड़ी देर में और समझ लेंगे। नाउ वर्क डन कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन क्या है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू से दिस वर्क डन इज पॉजिटिव एंड दिस वर्क डन इज नेगेटिव। सो इसको समझना पड़ेगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव है, ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव है। देख के कैसे कह लोगे आप कि अरे तुमने जो काम किया वो तो पॉजिटिव वर्क डन था और तुमने जो काम किया वो नेगेटिव वर्क डन था। तो इस चीज को समझने के लिए भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आप किस तरीके से समझोगे यहाँ पर। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वो ट्रॉली वाला। तो यहाँ पर ये ट्रॉली है, दिस इज द गर्ल हु एक्सर्ट द फोर्स इनटू ऑन एन ऑब्जेक्ट, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इन दोनों के जो डायरेक्शन है ना वो सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम, दैट्स व्हाई दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। नाउ अब अगर कोई बोलूँ टेल मी द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन, तो एवरीवन वॉज थिंकिंग अबाउट द कि हम क्या एग्जाम्पल लाएं, कैसे किस तरीके से, नहीं समझ आएगा। अगर आपको पेपर में आ जाए डिफाइन द नेगेटिव वर्क डन विद एग्जाम्पल, देन यू व्हाट यू हैव टू राइट, तो आपको वहां पे क्या एग्जाम्पल दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, ये ट्रॉली है या फिर समझ लो आप यहाँ पर एक कार है। ठीक है, कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सुपरमैन है या कोई मैन है, वो चाहता है इस गाड़ी को रोकना। ठीक है, तो उसने यहाँ से फोर्स लगा रहा है, और ये जो गाड़ी है जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इस डायरेक्शन में इधर ही चली जा रही है। तो मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तब आप कहोगे कि जो वर्क डन है वो हमारा नेगेटिव वर्क डन है। क्या है, वर्क डन हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो नाउ आप समझ लेते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन and the object energy increases, speed up and height increases, then you have to say that is a positive work done, positive work done। अब यहाँ पर force apply हो रहा है, तो यहाँ पर displacement भी इस direction में हो रहा है, same direction में, energy बढ़ रही है, speed बढ़ रही है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है। तो थीटा जो है जब पॉजिटिव वर्क डन होगा वहां पर जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में दैट इज 0, ये आपको याद रखना है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी एंड पॉजिटिव वर्क डन हो रहा होगा तो जो हमारा थीटा है, जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, दैट इज 0. ठीक है. नाउ कम टू द सेक्शन ऑफ अ नेगेटिव वर्क डन. तो देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द ऑब्जेक्ट एनर्जी डिक्रीजेस, स्पीड स्लो डाउन, हाइट डिक्रीजेस. सो अब ये देखिए, ये ही सेम ट्रॉली है, ये आपको दिख रही है ना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मैन है इसको इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट मोशन हो रहा है इस तरफ. फोर्स वो यहाँ पे खींच रहा है कि यार मेरी तरफ आ जो, नहीं तुम्हें जाना नहीं है उस तरफ व्हील को, बट मोशन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो मतलब ये रहा फोर्स और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, दैट इज थीटा बनेगा आपका 180. कितना थीटा बनेगा इस केस में, नेगेटिव वर्क डन में कितना होगा 180. जब 180 आपका ये होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, गाइस 180. तो मतलब आपका जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की -1. कितनी होती है वैल्यू कॉस 180 की, तो कॉस 180 आपका, थीटा आपका है 180 डिग्री. तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका नेगेटिव वर्क डन होगा. क्या होगा गाइस, नेगेटिव वर्क डन. यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे, तो अब वो इमेजेस क्यों यहाँ पर इंसर्ट की है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. द फर्स्ट एग्जाम्पल, द वन बॉय वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है, तो उसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया. यहाँ पर एक दूसरा बॉय है जो क्या कर रहा है, उसको कैच करने के लिए वो इस डायरेक्शन में अपने हाथ का मूवमेंट कर रहा है, अपने हाथ का, यहाँ से ये बॉल जा रही है. ठीक है. लेकिन वो कैच करने के लिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो क्या है, यहाँ से इसने डिस्प्लेसमेंट किया है बॉल का. फिर से समझ लीजिए एक बार, जब आपने बॉल थ्रो की, ठीक है, यहाँ से कैच करना है, तो वो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है कैच के लिए, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क डन. आप खुद ही एक बार इमेजिन करो कि कोई बॉल थ्रो कर रहा है, तो मतलब बॉल डिस्प्लेस्ड होकर आपके पास आ रही है और आप अपने हाथ को उसके डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट है. इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो कैच करना होता है बॉल को, दैट इज अ नेगेटिव वर्क डन. ठीक है. अब यहाँ पे वही ट्रॉली का एग्जाम्पल है, देयर इज अ गर्ल हु पुश द ट्रॉली, वो पुश कर रही है ट्रॉली को, फोर्स लगा रही है, और ट्रॉली भी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वॉज इन सेम डायरेक्शन. तो थीटा की वैल्यू हो गई 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई 180. दिस इज द नेगेटिव वर्क डन एंड दिस इज द पॉजिटिव. अब ये थर्ड एग्जांपल किसका है, यहाँ पे क्या है, 0 वर्क डन. क्यों है भाई 0 वर्क डन? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क डन. वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ 0 वर्क डन? बिकॉज अ गर्ल, वो क्या कर रही है, वो वेट दोनों हाथ में लेके एक नॉर्मल स्टेशनरी पोजिशन में खड़ी है. ठीक है. उसने 10 न्यूटन का वेट लिया, वो वैसे बहुत वर्क हार्ड कर रही है क्योंकि इतनी देर तक वेट्स को पकड़ के रखना दैट इज अ वेरी बिग टास्क हो सकता है, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो नेट वर्क डन है दैट इज द 0. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, 0 वर्क डन का. सो दीज 3 पिक्चर्स जो हैं, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रही है नेगेटिव वर्क डन का, दूसरा एग्जाम्पल दे रही है आपको पॉजिटिव वर्क डन का, एंड थर्ड एग्जाम्पल जो है वो 0 वर्क डन का. तो यहाँ पे आपको तीनों इमेज से, आप एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम किसको 0 वर्क डन कहते हैं, किसको नेगेटिव कहते हैं, किसको पॉजिटिव कहते हैं. सॉर्टेड गाइस. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज ऑफ रक्षा अकेडमी. ठीक है. अब आ जाते हैं नो वर्क इज डन इफ. कब भैया नो वर्क इज डन कैसे कहेंगे? इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो ये वाला जो पॉइंट था ना, डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट यहाँ पे ये वेट लिफ्टर जो है पुल करके रखा है, तो यहाँ पे आपने वेट, अब मान लो कि 150 kg का वो खड़ी हुई है, तो ये रहा कोई और इसने यहाँ पे वेट लेके पकड़ा हुआ है, बट यहाँ पर उसने अपनी शोल्डर पे वो पकड़ के खड़ा है, बट डज नो वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द रीजन कि यहाँ पर जो वर्क डन है वो जीरो। अब यहाँ पे मानो कि फोर्स इज जीरो, फोर्स बिल्कुल जीरो है। कैसे? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक क्या है, मूव कर रहा है, दैट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन ओवर देयर, बट मे अंडरगो अ लार्ज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया आपका जीरो। क्यों हो गया? देखो यार, एफडी हो गया, फोर्स जीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेट वर्क डन तो आपका जीरो ही होगा, ठीक है। अब नाउ कम टू द पार्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट मीन्स कॉस थीटा कॉस 90 दैट इज अ जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला अगर आप लाओगे वेक्टर वाले के साथ तो अब ये जीरो हो गया पूरा, दैट मीन्स नेट वर्क डन क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वहाँ पर एम जी डज नो वर्क, दैट मीन्स यहाँ पर ये तो मूव कर रहा है बट यहाँ पर एम जी, तो इसका यहाँ पर 90, ये मानो ये कोई सरफेस है, इस पर ब्लॉक मूव कर रहा है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये एंगल बना लिया इसने 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर जो नेट वर्क डन है दैट इज जीरो। अब इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो ये रहा उसका एग्जाम्पल, ये रहा आपका अर्थ, इसके अराउंड हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है, इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, क्या है अर्थ की, मून है। अब मून जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या एंगल क्या फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो दैट्स वाई नेट वर्क डन इज जीरो। तो डज अर्थ डू वर्क ऑन द मून, क्या अर्थ कोई काम करती है? तो क्या हुआ कि जो हमारी अर्थ है और ये रहा आपका मून, अब यहाँ पर क्या है, जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ in a circular orbit capped there by a gravitational force exerted by the earth। तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट करता है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो आपका यहाँ पे जो ये एंगल है दैट इज फॉर्म्ड 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे एफ डी कॉस थीटा में, तो एफ डी और कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू होती है ज़ीरो, कॉस 90 क्या होता है 6, कॉस 90 इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो गया आपका वर्क डन क्या हो गया ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर बात क्लियर हुई, ठीक है। इफ वी अज्यूम दैट मून ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज परफेक्टली सर्कुलर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को, यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर जो हमारा थीटा की वैल्यू है वो 0 to 90 के बीच में रहती है, तो जो हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर 90 से 180 के बीच में रहती है तो cos थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो अगर जब वो नेगेटिव हो जाती है तो कई बार क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट को फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है तो वहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है, तो नेट वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाता है। अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 हो जाती है तो हमारा जो वर्क डन है दैट इज ज़ीरो। तो मतलब अगर आप लोग एक स्केल लो, समझो कि ये रहा आपका ज़ीरो और यहाँ पर ये ज़ीरो है, अगर 0 to 90 आपका रहता है तो आपका क्या है पॉजिटिव वर्क डन, 90 पे आके वो ज़ीरो हो जाएगा, 90 से 180 पे वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू दिस पार्ट वेयर यू कैन सी द एग्जांपल, दैट इज द पार्ट अ साइक्लिस्ट कम्स टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 meter, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज, फोर्स की आप है 200 न्यूटन और जो डायरेक्टली मोशन के अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या है यहाँ पर स्टॉप करने के लिए लगाया जा रहा है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक एन एंगल, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये इसने बनाया 180 डिग्री विथ ईच अदर। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, एफ डी कॉस थीटा, वेयर एफ इज 200, डी इज 10 एंड थीटा इक्वल टू 180। तो द वैल्यू ऑफ कॉस 180 इज -1, तो पुट दिस वैल्यू ओवर देयर, देन द आंसर बिकम इज -2000 न्यूटन मीटर और यू कैन से जूल। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ी और नेक्स्ट पे क्या पढ़ने वाले हो, नेक्स्ट में आप पढ़ोगे स्केलर क्वांटिटी को पूरा प्रॉपर समझना आपको पड़ेगा, सो दैट आपके जितने भी डाउट है स्केलर क्वांटिटी को लेके वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि हमको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है जिससे आपके जो 30 मार्क्स आने, अगर उसमें कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो बिल्कुल बेसिक हो, चाहे वो टिपिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेफिनेशन हो या वो डायग्राम हो, आपके सारे क्वेश्चंस आप कवर कर पाओ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि मैम यहाँ पे आपको ये कौन सी बुक हमको रेफर करनी है, तो आपको बुक जो रेफर करनी है दैट इज द एनसीईआरटी। क्लास लेना है, अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी रिवीजन करना है और फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, दैट व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एक्चुअली अ वर्क, इफ देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट, कोई फोर्स नहीं होता, कुछ नहीं तो हमारा वर्क डन नहीं होता। तो हमने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देखे और हमने फिजिक्स वर्ल्ड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखा, उनको समझा कि किस तरीके से हम कह रहे हैं। देन हम आ गए एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, लिख कर आनी है, किस की पॉइंट्स को दिमाग में रख के हमने पढ़ा है, डेफिनेशन पार्ट, यूनिट पार्ट, डायग्राम पार्ट एंड एग्जाम्पल पार्ट। अगर आप किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके वहाँ पर कवर होने चाहिए, दिस इज कंपल्सरी, ये इस पॉइंट को आप स्किप नहीं कर सकते, ये जो की पॉइंट्स है इसको आप स्किप नहीं कर सकते अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, आपने यहाँ पे डायग्राम्स देखा तो आप डायग्राम बना लोगे एग्जाम में, डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके फॉर्मूला देखा जिसमें हमने ये भी मेंशन करना है, वेयर एफ इज फोर्स, डी इज डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज वर्क डन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। चीज़ों को आपको डिफाइन करना है जब आप आंसर्स लिखोगे। फिर हमने देखा कि वर्क की जो है एक सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाई द वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमने यहाँ पे देखा। बट अब स्केलर क्वांटिटी की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन हम कब पढ़ेंगे, हमारी आने वाली क्लासेस में। देन हम आ गए यूनिट सेक्शन पे, जहाँ पर आपने देखा न्यूटन मीटर और जूल वाला पार्ट। फिर हमने डिफाइन किया 1 जूल को, हाउ वी कैन डिफाइन अ 1 जूल इन टर्म्स ऑफ वर्क, जो हमने पढ़ा कि अमाउंट होता है वर्क डन का जब ऑब्जेक्ट पर, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन पर। एसआई यूनिट क्या है इसकी, जूल है, जो कि फेमस फिजिक्स फिजिशियन थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम पर रखा गया। फिर हमने एक न्यूमेरिकल पार्ट देखा, जहां पर आपने क्या देखा, क्या चीज को समझा कि अगर फोर्स और डायरेक्शन जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या रहेगा, जो हमारा थीटा है वो 0 रहेगा, दैट मीन्स एफ डी फॉर्मूला रहेगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 रहेगा, जो कि हमारा नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। फिर हमने देखे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन क्या होते हैं, किस तरीके से, और उनके एग्जांपल्स देखे कि पॉजिटिव में फोर्स है जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में, एनर्जी बढ़नी चाहिए, हाइट बढ़नी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 है, नेगेटिव में थीटा की वैल्यू 180 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमने कुछ इमेजेस के थ्रू उनके समझा कि क्या वो नेगेटिव वर्क डन है, क्या पॉजिटिव है, या 0 वर्क डन है। तो हमने तीनों की एक एक एग्जाम्पल्स विद इमेजेस हमने देखी, कैप्चर करके समझा। फिर हमने देखा कि कब नहीं वर्क डन कहलाता है, तो पहला कंडीशन था डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन फोर्स इज 0, देन थीटा इज 0। थीटा कब 0 होगा, जब 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का कौन से केस में बन रहा है, अर्थ और मून वाले केस में, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है जिसके कारण 90 डिग्री बना। उसको हमने विथ डायग्राम समझा। डायग्राम समझने के बाद एक कंसेप्ट निकाला कि अगर जो थीटा की वैल्यू है 0 से 90 के बीच में रहती है, देन योर वर्क डन इज पॉजिटिव, फिर 90 से 180 नेगेटिव एंड एट 90 तो 0। ठीक है, चीज़ को यहाँ पे समझा। फिर हम आ गए अपने एट लास्ट, हमने डिस्कस किया अबाउट द न्यूमेरिकल सेक्शन रिलेटेड टू दिस सेक्शन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्थ डज अर्थ डू एनी वर्क ऑन द मून, तो आपको वहाँ पर बताना है कि इस दिस इज अ पॉजिटिव वर्क डन करती है कि नेगेटिव कि जीरो, ये आपको वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो देन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज। इन आर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसका रिलेशन देखेंगे, वर्क डन वगैरह सब चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे, विद द न्यूमेरिकल पार्ट भी हम कवर करेंगे। तो डोंट मतलब एकदम टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है, और फिर एट लास्ट आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। तो दिस इज होल अबाउट द पार्ट वन, लेक्चर 1 ऑफ वर्क, जो हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है। वर्क, एनर्जी, पावर का फर्स्ट टॉपिक वर्क, ठीक है। हमने आज पढ़ा, जिसकी हमने स्टार्टिंग कर दी, शुभारंभ कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ तक किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम पेज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मैं देख के जाती हूँ। डिफाइन वर्क फॉर 3 मार्कर, देन वाई द वर्क डन इज सेट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी आइदर फॉर 5 मार्क्स, देन डिफाइन जूल फॉर 3 मार्क्स। देन आपको करना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन विथ एन एग्जाम्पल फॉर 5 मार्क्स, क्लियर। देन वाई वी सेड अर्थ डू वर्क ऑन द मून इज नेगेटिव विथ एग्जाम्पल एंड फिगर्स फॉर 5 मार्क्स और 11 मार्क्स, जितने आप लिख पाओ, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग।